नमस्कार, मैं पूजा पुनेठा हूं और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर और दिन सोमवार है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक में लिंगायत मठ के प्रमुख संत शिवमूर्ति मुर्गा नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किए गए। झारखंड में शादी से मना करने पर 12वीं की छात्रा को युवक ने जिंदा जलाया। दिल्ली में नाबालिग छात्रा ने दोस्ती से मना किया तो युवक ने उसे गोली मार दी। दिल्ली में नवजात का सौदा करने वाले डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर के एक स्कूल में फूड पॉइजनिंग में 59 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग का मुर्गा मठ अब विवादों में आ गया है। इस लिंगायत मठ के प्रमुख संत शिवमूर्ति मुर्गा पर 3 नाबालिग लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुर्गा को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के दुमका जिले में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां शादी से मना कर देने पर 12वीं की छात्रा को जिंदा जला दिया गया। आरोपी युवक दूसरे धर्म का है और नाबालिग छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में नाबालिग छात्रा ने दोस्ती से मना किया तो दूसरे धर्म के युवक ने उसे गोली मार दी। आरोपी ने नाम बदलकर 16 साल की लड़की से इंस्टाग्राम पे दोस्ती की थी। असलियत का पता चलने पर लड़की ने बातचीत बंद कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के साउथ रोनी थाना क्षेत्र में जन्म से पहले ही नवजात का सौदा करने के मामले में एक डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का सरगना डॉक्टर ही है जो अब तक 5 से 6 बच्चों को बेच चुका है। गिरोह से एक बच्ची को सकुशल बरामद भी किया गया। गिरोह के सदस्य अवांछित गर्भ को गिराने की इच्छा रखने वाली युवतियों को बच्चा पैदा करने के लिए राजी करते थे, फिर नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाकर बच्चा बेच देते थे। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से 59 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि रसोई घर में खाने के सैंपल लिए गए हैं, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। महाराष्ट्र के थाने में 10वीं के छात्र को पीटने के मामले में पुलिस ने एक निजी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पिटाई से छात्र का हाथ टूट गया था, शिक्षक फरार चल रहा है। मिजोरम के लुंगलेई जिले में एक शिक्षक ने 6 साल की छात्रा की यूनिफॉर्म उतरवाकर घर भेजा। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ना होने के कारण 5 साल के बच्चे की मौत। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली में शिक्षा का बजट बढ़ा, लेकिन सरकारी स्कूलों में दाखिले और छात्रों की उपस्थिति में कमी आई। राज्यपाल ने इस पर चिंता जताई है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री ऑनलाइन शेयर करने के मामले में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में झोला छाप डॉक्टर ने 15 वर्षीय किशोर को लगा दिया गलत इंजेक्शन। किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब कुछ पॉजिटिव खबरें। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय बन गई हैं 17 साल की अपेक्षा फर्नांडिस।
200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 8वें स्थान पर रही। गुजरात के अहमदाबाद में 500 करोड़ रुपए का व्यापार कर रहे 7 दोस्तों ने फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिए सर्वोदय फुटपाथ स्कूल खोला है। इसमें नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। अब तक 1200 बच्चे यहां से पढ़कर निकल चुके हैं। फिलहाल ऐसे 7 स्कूल चल रहे हैं। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग अपने यहां 450 आंगनबाड़ी के 50,000 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगा। पिछले साल स्वास्थ्य विभाग ने 11,000 बच्चों की जांच की थी, जिसमें से 224 बच्चों को कुपोषण का शिकार पाया गया था। इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। अब स्कूलों में भी वर्चुअल लैब से होगी पढ़ाई। केंद्र सरकार की योजना के तहत 750 स्कूलों में गणित व विज्ञान से संबंधित वर्चुअल लैब स्थापित की जाएगी। 75 कौशल ई लैब भी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में लाखों की संख्या में अनाथ बच्चों को देखते हुए गोद लेने की प्रक्रिया को सरल कर देना चाहिए। अभी तक गोद लेने की प्रतीक्षा सूची के अनुसार चले तो एक बच्चा गोद लेने में 3 से 4 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के मिसौरी प्रांत के एक स्कूल केसविले ने अपने यहाँ छात्रों को शारीरिक दंड देने की नीति बहाल कर दी है। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी, साथ ही सिर व चेहरे पर मारने की अनुमति नहीं होगी। अमेरिका में हुए एक शोध से सामने आया है कि 16 से 25 साल की उम्र के लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। इसका कारण प्रसिद्धि और पैसा कमाना है। यूनेस्को ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि नाइजीरिया में करीब 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं गए। पूरी दुनिया की बात की जाए तो स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या करीब 24.4 करोड़ है। भारत पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की बड़ी तादाद है। स्कॉटलैंड के एक 11 साल के छात्र केविन का दिमाग अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से भी तेज पाया गया है। केविन का आईक्यू 162 है। दुनिया में सिर्फ 1% लोगों का आईक्यू इतना होता है। पाकिस्तान में आई भयंकर बाढ़ से अब तक कम से कम 1100 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 380 बच्चे भी शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों से पाकिस्तान की मदद करने की अपील की है। पाकिस्तान में 8 साल की हिंदू बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने बच्ची की आंख भी फोड़ दी। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अगले हफ्ते इसी समय सोमवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव, रोहित श्रीवास्तव और पिनाकी रोतेरा की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी।